खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, बजट बहस पर सीएम गहलोत जवाब दे रहे थे और आज जो है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब दे रहे थे तो बहुत सारी जो घोषणाएं हैं वो भी की, साथ ही साथ उन्होंने योजनाओं के बारे में भी बताया। ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट की देश भर में तारीफ हो रही है और जो बड़ी घोषणाएं हैं वो भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। महात्मा गांधी स्कूलों के स्टाफ को ट्रेनिंग की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। तो वहीं 4000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब की घोषणा भी सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट की घोषणा सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की और साथ ही साथ राजकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय इसको लेकर भी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। छठवीं बड़ी घोषणा की बात करें तो जयपुर में राष्ट्रीय उर्दू बीएड कॉलेज की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने इस बार की है। कस्तूरबा गांधी छात्रावास अत्याधुनिक होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी घोषणा की। बजट बहस पर सीएम गहलोत जवाब दे रहे थे और ये तमाम घोषणाएं, 1,00,000 भर्तियों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, ये बड़ी घोषणा। सभी अस्पतालों में फ्री ट्रांसप्लांट की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, मेडिकल से जुड़ी हुई ये बड़ी घोषणा। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। हेल्थ मैनेजमेंट को और हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने की एक कोशिश, कवायद चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो इसको लेकर भी घोषणा की। सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपने भाषणों में भी इसका जिक्र करते रहते हैं। सवाई माधोपुर में सिटी पार्क की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। कथक नृत्य केंद्र आधुनिक बनेगा इसको लेकर भी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में की। तो गहलोत जो जवाब दे रहे थे बजट बहस पर और कई घोषणाएं उन्होंने इस दौरान की, ये 14 बड़ी बड़ी घोषणाएं तो आपको बता रही हैं। अगली घोषणा का रुख करें, त्वरित न्याय के लिए कोच खुलेंगे, त्वरित न्याय मिले और इसलिए कोर्ट खुलेंगे, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ी घोषणा आज सदन में की। ये बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आम आदमी से जुड़ी हो, युवाओं से जुड़ी हो, 1,00,000 नौकरी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और ये बड़ी घोषणा हो जाती है। और इसी की तरह हनुमानगढ़ में कपास मिल फिर से शुरू होगी, क्योंकि ये मिल बंद हो गई, उसके बाद अब एक बार फिर से इसे शुरू किया जाएगा, ये सदन में घोषणा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने जयपुर में 2 नए पार्कों की भी घोषणा की है, तो जयपुर में 2 नए पार्क बनाए जाएंगे उसको लेकर भी घोषणा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी घोषणा में इसे भी शामिल किया और कहा कि पशु चिकित्सा उपकेंद्र भी खोले जाएंगे। ये एक और बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जवाब में की। ड्रेनेज के लिए 200 करोड़ की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। 200 करोड़ जो है ड्रेनेज के लिए दिए जाएंगे और ड्रेनेज सिस्टम को सरल बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, इसके लिए भी कार्य किया जाएगा और इसको लेकर 200 करोड़ की घोषणा की है। माफिया पर कार्रवाई के लिए एसटीएफ की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, क्योंकि माफिया को कंट्रोल किया जाए और सबसे ज्यादा जो नकल माफिया है हाल ही के समय में जो परीक्षा में देखने को मिला था एक्टिव, उसको कंट्रोल तो किया गया लेकिन अलग से एसटीएफ की भी घोषणा की। साथ ही साथ माफिया पर कार्रवाई हो, लगाम लगे, इसके लिए लगातार कोशिशें जारी भी और एसटीएफ के गठन से एक और बल पुलिस को मिलेगा और कंट्रोल किया जाएगा, लगाम नकेल कसी जाएगी जो माफिया परीक्षा में नकल करवाते हैं या डमी कैंडिडेट भेजते हैं, उस गिरोह पर, उस माफिया पर कंट्रोल करने के लिए, नकेल कसने के लिए एसटीएफ का गठन किया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
की है और विधानसभा की कार्यवाही हालांकि कल तक के लिए अब 11 बजे तक के लिए स्थगित की है, लेकिन उससे पहले बजट बहस पर सीएम गहलोत के जवाब को आप सुन रहे थे और इसमें तमाम उन्होंने बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा ईआरसीपी से 13 जिलों में फायदा हुआ है, हमने बजट में ईआरसीपी के लिए फंड की घोषणा की। बजट बहस पर सीएम गहलोत का ये जवाब आया। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुलाब चंद कटारिया को भी बधाई दी, असम का राज्यपाल बनने पर सीएम गहलोत ने ये बधाई दी और सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि राजस्थान के बजट की पूरे देश में चर्चा की जा रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है और 10.01% ये आय बढ़ी भी है, 3 सालों में कई कार्य किए गए हैं। हालांकि सीएम ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया, राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने बेहतरीन काम किया है और जो दूसरे राज्य थे या केंद्र का प्रबंधन था वो इसमें जरूर फेल रहा। केंद्र के बजट को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के जब बजट में ईआरसीपी को कुछ नहीं मिला है और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की तरफ से बजट में ईआरसीपी को दिया गया और ईआरसीपी से 13 जिलों को लाभ देने की कोशिश भी की जा रही है राजस्थान की तरफ से। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब दे रहे थे सदन में और कई उन्होंने घोषणाएं भी की हैं, कई बातों का जिक्र भी किया है, महत्वपूर्ण बातें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राजनीतिक तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी स्पीच में जो शुरुआत थी वो केंद्र सरकार पर प्रहारों को लेकर थी, मोदी सरकार पर प्रहारों को लेकर थी, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच को लेकर थी, क्योंकि सतीश पूनिया ने टारगेट किया था। सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में ये बताया था कि किस तरह से केंद्र जो पैसा भेज रहा है राज्यों में वो कैसे किन किन मदों पर खर्च हो रहा है और उससे राजस्थान में कौन कौन से सेक्टर में आम जन को लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हीं सब को टारगेट किया और एक एक करके प्रहार किए, पलटवार किए और बताया कि किस तरह से कोविड के दौरान राजस्थान की गहलोत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, काम किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ही देश में फ्री वैक्सीन देने की प्रधानमंत्री से मांग की थी और उसके बाद दबाव बना और केंद्र की सरकार ने फ्री वैक्सीन की घोषणा की। लेकिन जो सबसे बड़ी घोषणा है इस पूरे स्पीच को लेकर वो है 1 लाख भर्तियों की। युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है कि राजस्थान की सरकार 1 लाख नई भर्तियां करेंगी और ये बम्पर खबर इसलिए है क्योंकि इसको लेकर कयास थे, बजट के अंदर भी मुख्यमंत्री ने कई ऐलान किए थे और अब युवाओं के मद्देनज़र बड़ा ऐलान है। हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करके। ऐश्वर्य, बड़ी खबर, 1 लाख भर्तियाँ, मतलब कहा जा सकता है कि हर युवा वर्ग के उस तबके को छुआ है जो आधी आबादी है। देखिए, 1 लाख और भर्तियां और सरकारी भर्तियां, ये सीधे तौर पर इशारा है मुख्यमंत्री गहलोत का, जिस लिहाज से आज विपक्ष की ओर से पेपर लीक पर फिर से आरोप लगाए गए, लेकिन आज फिर उन्होंने भर्तियों की बात दोहराई और ज़्यादा भर्तियां बढ़ा दी उन्होंने। ये आज की इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने वन और पर्यावरण पर खास फोकस किया है। जिस तरीके से जयपुर शहर को बड़े पार्कों की सौगात दी है, सवाईमाधोपुर जैसे शहर को दी है, उनके अलावा दूसरे अगर और घोषणाओं की बात करें तो स्कूल्स पर फोकस किया गया है मुख्यमंत्री गहलोत ने। कई स्कूल्स हैं उन्हें क्रमोन्नत किया गया है और कंप्यूटर शिक्षा जो है, कंप्यूटर लैब है, उनकी स्थापना स्कूलों में बड़ी संख्या में, करीब 4000 के आसपास स्कूल है जिनमें घोषणा की गई है। सबसे खास बात आज मुख्यमंत्री गहलोत के जवाब में नजर आई। ठीक है, और क्योंकि जैसा कि आपने योगेश जी कहा भी कि बड़ी जो घोषणा है वो 1 लाख नौकरियों की है, क्योंकि जो युवा है वो उम्मीदों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ देख रहा था और वो जरूर पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।